आईपीसी नेम ऑफ एमिन ग्रुप। देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दो तीन चीजें, अगर NH2 यानी एमिन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप लग जाता है उसको सिंपली एल्केन नंबर एमिन यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होता है, एमिन जो होता है उसके दोनों मतलब दो अल्काइल ग्रुप अगर लग जाता है उसमें एक को लिखेंगे हम लोग एन अल्काइल और दूसरों को लिखेंगे हम लोग एल्केन, माने उसको हम लोग मैक्सिमम नंबर को जो कार्बन कंटेन करेगा उसको मानेंगे एल्केन नंबर एल्केन, ठीक है, उसको नंबर एमिन लिख दीजिएगा, ठीक, एन अल्काइल एल्केन नंबर एमिन। अगर 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री एमिन के साथ क्या होता है कि उसमें एमिन के साथ 3 जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है बात की बात है, बट उसमें से किसी एक को हमको मैक्सिमम नंबर जो कार्बन कंटेन करेगा उसको एल्केन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दोनों को मान के मैं चलता हूँ, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो लिखिए एन एन डाई अल्काइल एल्केन नंबर एमिन हो जाएगा, इसको एल्केन बोलेंगे इसको एन एन डाई अल्काइल बोलेंगे, ठीक है। अगर तीनों इन दोनों में से अगर दोनों जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, लेकिन एन अल्काइल एक के लिए फिर एन अल्काइल एक के लिए और तीसरा लिंक जो रहेगा मैन मैक्सिमम नंबर कार्बन कंटेन करेगा उसको एल्केन नंबर एमिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं तो किसी चीज का होगा, ठीक है, फर्स्ट सिंपल समझिए ध्यान से, जैसे देखिए ये क्या है 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री कार्बन एमिन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ से, यहाँ पे CH3 यहाँ पे दोनों तो सेम है बट इसे मैक्सिमम नंबर कार्बन कौन कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है, इसको हम लोग मैन कार्बन का मतलब मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है मैन, इसको लिख देंगे पहले इथेन लिख देंगे, इथेन यहाँ पे नंबर आप दे सकते नहीं क्योंकि एक नंबर पे लिखेंगे इथेना माइन लिखेंगे, इथेन एमाइन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला दोनों सेम क्या लिखेंगे, एन डाय डाय मिथाइल है तो मिथाइल, तो एन एन डाय मिथाइल इथेन एमाइन हो जाएगा, इतना समझ में इसको थोड़ा देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा ध्यान समझिए, देखिए ये क्या है आपको देखने से पता चल रहा है 3 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर कार्बन कंटेन कर रहा है देखने से पता चल रहा है ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहे हैं ना, और ये क्या है, ये दोनों क्या ब्रांच के रूप में काम करने वाला, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग देखिए, ये ई फॉर इथाइल और मी फॉर मिथाइल, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, हम पे बैठेंगे यहाँ पे चलना आप लोग लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल हाइड्रोजन कार्बन कितना काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 को क्या लिखेंगे पेन, अब नंबर यहाँ पे देना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 1 2 इधर से काउंट नहीं करना बहुत ज्यादा चल जाएगा, तो 1 2 तो पेन 2 एमिन इसका मतलब आईपीसी नेम होने वाला 3 डिग्री है, 3 डिग्री एमिन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतना पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, ठीक है, इसको एनिलीन बोलते हैं, इसको बोलेंगे फिनाइल, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो पहले कौन है डालना फिटिकल में, पहले कौन आ रहा है, पहले ए बता रहा है, ठीक, लिखेंगे एन एन साइक्लो एन साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, फिर एन फेनाइल, ठीक है, और क्या है एनिलीन, लिखेंगे एनिलीन, ये इसका आईपीसी नेम होने वाला, आई होप लोग समझ में, यदि आप लोगों को समझ नहीं रहा नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे बेस्ट वीडियो डेटा को समझा रहा हूँ।